हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग टू नाइट टाइम रूटीन शेयर करने जा रही हूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एज़ यू नो फ्रेंड्स, अभी मैं शिप पर हूं और मेरा नाइट टाइम रूटीन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर वीडियो में मूव ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपने जिमिंग से। मैं इवनिंग में जिम जाती हूँ डेली 1 आवर के लिए, जिसमें मैं ट्रेडमिल करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ और थोड़ी देर टीटी खेलती हूँ। जिम करने के बाद मैं अपने फ्लोर में ऊपर जाती हूँ और वहाँ थोड़ी देर एकदम रिलैक्सिंग टाइम में बैठती हूँ। मुझे बाहर का सीन देखना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मैं यहाँ घंटों बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी देख सकते हैं यहाँ सिर्फ पानी और पानी ही है, बट मुझे यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दस से 15 मिनट यहाँ बैठने के बाद मैं अपने रूम में जाती हूँ। तो मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ सनसेट का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। उसके बाद मैं अपना होममेड स्क्रब यूज़ करती हूँ, जो कि मैं वीक में 2 बार अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, जिसमें मैंने शुगर और हनी लिया है। इन दोनों को मिक्स करके मैं अपने फेस में 2 से 4 मिनट अपने फेस को अच्छे से स्क्रब करती हूँ और फिर प्लेन वाटर से वॉश कर देती हूँ। इससे आपकी स्किन बहुत ही हाइड्रेटेड हो जाती है और डेड सेल्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ शावर ले लिया है और मैंने अभी हेयर वॉश किया है। अब मैं अपने फेस में बायोटिक का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। इसके बाद मैं अपने कॉम्पैक्ट से अपने फेस को सेट कर लूँगी। इधर मैं अपने बालों में, मतलब माथे में सिंदूर लगा रही हूँ क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया है। और अब मैं एक लिप ग्लॉस लगा लूँगी अपने लिप्स पे, जो कि एल्फ का है। नहा के तैयार होने के बाद मैं अपने भगवान जी की थोड़ी सी छोटी सी पूजा करती हूँ, जिसमें कि अगरबत्ती जलाती हूँ और भगवान के आगे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़े से गायत्री मंत्र करती हूँ। उसके बाद हम लोग डिनर के लिए जाते हैं। तो अब टाइम हो चुका है 7 o'clock। तो चलिए देखते हैं डिनर में क्या क्या बना है। और आज देखिए फ्रेंड्स, डिनर में बना है पनीर भुर्जी, राइस, सब्जी, रोटी एंड दाल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी से अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं। मैं यहाँ अपनी दाल में लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ, मतलब कि जूस डाल रही हूँ, जो कि हमारी दाल के प्रोटीन को पचाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। पहले मैं डिनर करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी बेबी पीहू को डिनर कराती हूँ। तो यहाँ पीहू का डिनर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फटाफट पीहू को भी खाना खिला लेते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, हमें डेली यहाँ पे एक स्वीट मिलती है जो कि हमें डिनर के बाद मिलती है। तो आज मिला है बालूशाही, जो कि बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स, अभी हमारा डिनर हो गया है और अब मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी। सभी हमारी वॉक भी हो गई है। तो अब मैं अपने बेबी की रात में मालिश करती हूँ पैरों की, जिससे कि उसको रात में अच्छे से रिलैक्सिंग फील हो और वो आराम से रात में सो सके। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी टिप है। अगर आपके बच्चे रात में सोते नहीं हैं तो अपने बच्चों की पैरों में मालिश जरूर करें।
उसके बाद हम तीनों मिलकर के बैठ के कुछ मूवी देखते हैं या फिर कुछ टीवी शोज देखते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम तीनों यहाँ बैठ कर के इस समय मूवी देख रहे हैं। मूवी देखने के बाद मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करती हूँ, तो मैंने स्क्रब पहले ही कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल प्लेन वाटर से अपना फेस वॉश कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे सिटाफिल का मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। ये मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा है, ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइजर। अगर आपकी स्किन में कोई एलर्जी भी है तो ये उसको रिपेयर करता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करती हूँ किसी भी लिप बाम या फिर लिप ग्लॉस से। मेरा ये नाइट टाइम रूटीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। वीक में 2 से 3 बार मैं अपना बनाया हुआ फेस पैक भी लगाती हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं अपने बेडरूम में आ चुकी हूँ और अब टाइम हो चुका है पीहू को सुलाने का। तो यहाँ मैं पीहू को लिटा करके कुछ स्टोरीज सुनाती हूँ या फिर कुछ राइम्स उससे सुनती हूँ। इतने में उसको अच्छे से नींद आने का टाइम भी हो चुका होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक बड़ा सा लाइक करिएगा और मेरे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एक बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा मेरे नए अपडेट्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।